कि कल रात को 3:40 पे लगभग मैं वहाँ पे गई थी स्वयं। मैंने देखा कि जो लोग ड्यूटी पर थे वो सो रहे थे। जो केंद्रीय पुलिस बल था, CRPF के या कोई भी जवान थे, उसमें से एक तो जाग रहा था और एक अपने स्थान पर नहीं था। हमारा उद्देश्य उन पर शंका करना नहीं है, हमारा उद्देश्य उनको कोई पनिशमेंट देना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि सरकार की जो पूर्व की स्थिति रही है कि इन पर अविश्वास किया जाए। ये हमेशा से ऐसे ही ढंग करते रहे, लूटते लाटते रहे, चुनाव और पैसे के दुरुपयोग करके लोगों को मोटिवेट करते रहे, इसलिए इन पर अविश्वास है हमको। और उस अविश्वास के कारण हमको लगा कि एक बार हमको जाके रात में देखना चाहिए, और हमने देखा तो वहाँ पर जैसे सुरक्षा होनी चाहिए थी वैसी सुरक्षा थी नहीं, और लोग सो रहे थे, लोग लापरवाही कर रहे थे। मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग की और लाइव रिकॉर्डिंग की, फेसबुक पे डाला। फिर 2-3 लोग आ गए पुलिस के और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि मशीनें सुरक्षित रहें और निष्पक्ष काउंटिंग हो, और जो भी परिणाम हो वो निष्पक्षता के साथ हो, क्योंकि इन पर अविश्वास है। इनकी कार्यशैली ऐसी रही है सरकार की कि इस पर अविश्वास करना चाहिए, और मुझे अविश्वास है भी। अच्छा, ये जो आपने परमिशन दी है वहाँ आपके लोगों को ठहराने की, वो क्या परमिशन दी? क्योंकि परमिशन लिए वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। सर्दी का समय, हमारे कार्यकर्ता रहते हैं 8-10 बजे तक, और उसके बाद हो सकता है कि कार्यकर्ता रात में ना रहे हो। मैं गई थी तो एक गाड़ी हमारी खड़ी थी, उसमें कुछ लोग सो रहे थे। मैंने जगाना स्वाभाविक नहीं समझा, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। पर जो लोग जिनकी ड्यूटी थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो लोग मुस्तैद नहीं। तो कहीं ना कहीं शिकायत करेंगे आप इसकी? शिकायत आपके माध्यम से कर रही हूँ, और मैंने लाइव डाला, हो सकता उन्होंने भी उसको देखा हो। बस मेरी शिकायत, मैं किसी को, मैंने कहा पनिशमेंट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि उसकी सुरक्षा हो, और वो भी इस कारण से है क्योंकि इन पर अविश्वास है। इनकी पूर्व की कार्यशैली ऐसी रही है कि इन पर अविश्वास करना स्वाभाविक है, और मुझे अविश्वास है भी कि कहीं भी किसी भी एंगल से ये दुर्घटना, कोई भी ऐसे घटना कर सकते हैं जिस पर हम लोगों का लॉस हो। इसलिए हमको अविश्वास है, और उनकी मशीनों की सुरक्षा प्रशासन करवाए, आपके माध्यम से मेरी ये मांग है। नहीं, जैसे मैं 2004 में चुनाव लड़ी थी तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ईवीएम मशीनें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ वापस जा रही हैं, कौन सी काउंटिंग हो चुकी है, कौन सी काउंटिंग होनी है, उसमें कहीं भी कोई पारदर्शिता नहीं थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि घोर लापरवाही उस समय हुई थी और घोर बेईमानी हुई थी मेरे साथ 2004 के चुनाव में। इसलिए वो लोग कहते हैं ना कि दूध का जला मट्टा फूक फूक के पीता है। उस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई त्रुटि प्रशासन के द्वारा या मेरे द्वारा ना हो पाए। मैं ही अपनी से कहती हूँ कि मुझे ऐसी कोई लापरवाही नहीं चाहिए जिससे पहले की पूर्ववर्ती घटनाओं को दोहराया जाए। सरकार निहायत बेईमान है, भ्रष्ट है और करप्ट है। वो हर हथकंडा अपनाने के लिए उनका पूरा रिकॉर्ड है, इसलिए उनके सारे हथकंडे फेल हों और हम लोग इतने जागरूक रहें कि चुनाव ठीक से हो, निष्पक्ष हो, काउंटिंग निष्पक्ष हो, ये हमारा उद्देश्य है।